Motherfuckers thought I died, but I ain't start yet. Nah. Where I'm from, it's no face, no case. You can get your top lit up like you sitting in the rape. I'm nasty. Got hits like that homie from the grass. See, my homies in the front with two bitches in the back. Paparazzi harass me, shit getting flashy. All my homies down the ride, just like a taxi. Martin the Munda, Brampton Chagunda. Guys, हम लोग अटल टनल के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ देखो यार, व्यू देखो पूरा, मतलब क्या ही जबरदस्त दिख रहा है। और वो जो सीधा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है लेह की तरफ, और ये यहाँ पे जो जा रहा है ये रोहतांग एले जा रहा है, जो कि रोहतांग अभी फिलहाल के लिए बंद रखा हुआ है। नहीं तो फिर हम रोहतांग पास को ही यूज़ करके कश्मीर जाने वाले थे, बट अभी फिलहाल उल्टा जाना पड़ेगा। देखते फिर भी ठीक है, यहाँ भी मज़ा आ रहा है। गाइज हम लोग है ना चल चल के थोड़ा जो बर्फ़ है ना, बर्फ आइस के थोड़ा आसपास जा रहे हैं। और हमें एरगुल और एलिना है ना, एलिना, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाइस बर्फ के पूरा एकदम से करीब में आ गए हम लोग। हाँ भाई बहुत ही ज्यादा ठंडा है और पैर स्लिप हो रहे अलग। ये देखो डब्बे में सब है ना, मधुमक्खी को है ना बंद करते हैं। ये देखो और ऐसे शहद बनाते हैं उन लोग। गाइज अभी हम लोग है ना NH 153, मतलब यहाँ पे हिमाचल में मंडी करके गांव है, तो उसके अंदर ही रुक गए, रात में स्टे ले रहे हैं यहाँ पर। वो क्या है ना कि मतलब वही एज यूजुअली थोड़ा ज़्यादा लेट हो चुका है, डेट्स वाई। और बच्चे लोग हैं ना साथ में, तो उनको सोना रहता है अच्छे से कंफर्टेबली, तो वो क्या होता है वो गाड़ी में इतना हो नहीं पाता है, बेड ही इसके लिए चाहिए रहता है। और हाँ गाइज अभी जब हम लोग मनाली से वहाँ निकले थे ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो उस वजह से गाड़ी की हालत देखो कुछ ऐसी हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइज, रात में हम लोग जब यहाँ पे रुके थे ना, तो व्यू कुछ अलग था, ऐसा लग रहा था काफ़ी हॉरर और हॉन्टेड टाइप डरावना सा लग रहा था। बट मुझे पता था कि पहाड़ों में रुकेंगे ना तो रात के टाइम ऐसा दिख रहा है, बट दिन के टाइम कुछ ऐसा दिखेगा। देखो अपनी गाड़ी साफ करके हो गया है। वो क्या है ना कि गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, बारिश भी हो गई थी मैंने बताया था। और ये सब मैं साफ़ कर रहा हूँ, साफ़ नहीं हो रहा है बिकॉज़ ये सब जो है सूख चुका है। ठीक है अच्छी दिख रही फिर भी। सामने रास्ता बराबर नहीं है, बहुत ही बेकार बेकार रास्ता मिल रहा है, मतलब खड्डा खुड्डा। गाइज मेरे पीछे का व्यू देखो यार, मतलब जहां भी आप रुकोगे ना, जिस भी रेस्टोरेंट में होटल में रुकोगे ना, आपको यहाँ पे व्यू बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। गाइज अभी हम लोग फाइनली पालमपुर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग एरगुल क्या खा रहे हैं, वाटरमेलन है ना। कुछ तो बोलो। यहाँ से 307 किलोमीटर अभी कश्मीर बाकी है। तो ये रूट देखो NH 154 मिला हुआ है, मतलब क्या ही बोलने का। हाँ हम लोग है ना अभी जम्मू के अंदर एंटर कर चुके हैं, और फिलहाल हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो रास्ते में हम लोग को कुछ मिला नहीं, तो हमें ये होटल मिला। और इस होटल के अंदर अदनान जाके बोल रहा है कि मैं इसके टेरेस पर सोऊंगा। ये चैलेंज है, ये ऐसा चैलेंज करेगा कि मिस्टर बीस्ट को फेल करेगा। मैंने अक्षय को ये चैलेंज दिया, जीत गया तो 100 रुपए इनाम, मैं 500 देता हूँ ना। यहाँ से कुछ 283 किलोमीटर समथिंग कुछ अभी पहलगाम बाकी है। हम लोग अभी अनंतनाग सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं।
यहाँ से अपना जो है पहलगाम जाने का जो रास्ता है पूरा प्रॉपर चालू हो चुका है। सबका पैर फिसल रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो स्लिप हो गया थोड़ा। ये देखो गाइस, अभी हम लोग है ना पहलगाम पहुंच चुके और यहाँ पे जो रिवर बह रही है ये देखो कितना मस्त बह रही है। मतलब वो जो क्या है कि आइस जो है ना बर्फ है बहुत ज्यादा, कि बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा बर्फ की परत चढ़ी हुई है तो वो पिघल रही है, तो उसकी वजह से इसका बहाव देखो कितना ज्यादा है यार। लेकिन बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब ऐसा ठंडा ठंडा फील हो रहा है इधर गर्मी के टाइम में, इधर भी ठंडा ठंडा फील हो रहा है। बट और ये देखो हमारी लेजेंडर की हालत साफ करने के बाद फिर हो गई है गंदी। गुड मॉर्निंग गाइज, और काफी अच्छे व्यू के साथ में यहाँ अदनान बैठा है अपने लंबे लंबे बाल लेके। मेरे भी लंबे बाल है जो कि जल्दी सूखते नहीं है, खुले रखना पड़ता है बहुत टाइम तक। ये देखो मेरे पीछे का व्यू। जब हम लोग रेडी हो चुके फाइनली और अभी हम निकल रहे बेताब वैली को एक्सप्लोर करने। एक्चुअली मैं पहले भी कर चुका था बट अभी ये लोग नहीं देखे थे तो थोड़ा इनको भी अच्छे से दिखा देते। ऐसे कश्मीर ऐसी जगह है कि आप जितनी बार भी देखो आपका मन नहीं भरता कभी। यहाँ देखो गाइस कैसा दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। ऑलमोस्ट सारी बर्फ़ थोड़ी सी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा है। जो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख के ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। गाइस फाइनली हम लोग बेताब वैली के अंदर आ गए और एक्चुअली क्या है ना, गलती से हम लोग है ना ऊपर चले गए थे। मतलब ऊपर पता नहीं क्या था बट ऊपर ऊपर चढ़ते हुए चले गए थे। बहुत ही ज़्यादा छोटा रोड था, ऑलमोस्ट समझ लो झुझिला पास बोलते ना वैसे ही कुछ था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। बहता हुआ पानी का इस फोर्स देखो इसका भी कितना ज्यादा है। बेताब वैली के अंदर जब भी हम लोग एंटर करते हैं ना तो एंटर करने के टाइम पे ये जो व्यू मिलता है ना यही सबसे बेस्ट व्यू मिलता है, फिर उसके बाद में ऊपर जाके मिलता है। बिकॉज जो आजू बाजू सब गार्डन्स बनाए हैं ना वो सही दिखते हैं। ये देखो यार ये चीज़ें ना फोटो में बराबर और वीडियो में बराबर नहीं आ सकती है बट इसको है ना आँखें ही देख सकती है सामने से। इसके लिए मैं बोलता हूँ ना कि सामने से जब खुद आओगे ना तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। सबरीना को गोदी में कोई लेता नहीं है गाइस, सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है, मैं लेता हूँ, अदनान लेता है, अक्षय लेता है, मम्मा ने सिर्फ रील बनाने के लिए लेती है। बाकी सब लोग चले गए हॉर्स पर। It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's 410, I'm on the 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it all, not a portion. It's 410, I'm on the 410. It's like, welcome to the region of Peel, it's getting scary. I've been on go for the cheese, I love Gary. I've been screaming, fuck the ops, I know they hear me. और हम लोग रह गए पैरों पर, बस ऐसे ही घूमते घूमते वो साइड जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे रिवर बहती है, क्योंकि क्या है कि वो जो घोड़े हैं वो भी वहीं आने वाले हैं। अभी हमारा बेताब वैली घूमकर हो चुका। अभी यहाँ पे ना एक दरगाह है, फिलहाल हम जब पिछली बार आए थे ना तो वहाँ गए थे जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, तो फिलहाल पूरी फैमिली को लेकर हम उधर ही जा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ना कि मतलब आवाज़ में थोड़ा सा थकान फील हो रहा है बट वैसा नहीं है, पूरा चल चल के घूमा इसके लिए हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही, बाहर ठंडा था बट
धूप की वजह से ऐसा लग रहा है, गाड़ी छोड़ के गया था ना, गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, उस वजह से ऐसा लग रहा है। और है ना गाइस, बहुत ज्यादा ही भूख लगी है, जबरदस्त लगी है। कोई अच्छा सा बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। फाइनली बढ़िया वाला रेस्टोरेंट मिल चुका है। ये जो दरगाह बोल रहा था गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो पिछली बार भी मैंने आप लोग को बताया था। और यहाँ से देखो नीचे बड़ा ही खतरनाक, और यहाँ पे सन बहुत ज्यादा ही हार्श लग रही है, इसके लिए मैंने कैप पहन लिया। अभी फाइनली दरगाह के अंदर जाके अपना हो गया, और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ।